दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस खास वीडियो में। दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि भारतवर्ष के अंदर एक बच्चा चोर ग्रह सक्रिय हो चुका है, जिसमें वे बच्चे चोर प्रत्येक जिलों के अंदर, प्रत्येक शहरों के अंदर पहुंच चुके हैं और बच्चे को चुराते हैं और उन्हें पैसों के लालच में किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप रहे हैं जो उन बच्चों को अपंग कर सकता है, जो उन बच्चों से भीख मंगवा सकता है, उन बच्चों की किडनी को निकाल करके बेच सकता है। पैसों के लालच में दूसरों की दुनिया उजाड़ने के लिए कुछ लोग मासूम परिवारों के घरों को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोगों को सचेत रहना है। आप स्क्रीन पर भी देखते रहिए किस तरीके से ये बच्चा चोर कभी औरतों के रूप में, कभी आदमियों के रूप में उपस्थित होते हैं। और ये एक ही जगह नहीं है, प्रत्येक ज़िले में इस समय मौजूद है और आपके बच्चों को चुराने की कोशिश करते हैं। आप अपने बच्चों को समझाइए कि किसी अनजान व्यक्ति से कोई बिस्कुट, कोई ड्रिंक्स या कुछ भी अन्य जैसे टॉफ़ी या कोई भी अन्य वस्तु ना ले, उसे ना खाए, किसी की बात ना सुने। सीधा स्कूल जाता है तो स्कूल से घर आए, बाहर खेलने जाता है तो यदि कोई उसे कुछ देता है तो उसकी बात अपने पड़ोस को बताए या आसपास में जो भी उसका परिचित है उसे बताए, अपने घर वालों को बताए, क्योंकि प्रत्येक शहर में इस तरह के लोग सक्रिय हो चुके हैं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कि थोड़ी सी जानकारी अपने बच्चों को दे, अपने बच्चों को समझाए। और यदि इस तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप जानकारी दे, उसकी सूचना दे और उस व्यक्ति को पकड़े, उससे पूछताछ करें जब तक पुलिस ना आए। ये लोग सैकड़ों की संख्या में बताए जा रहे हैं और प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक शहरों में ये लोग उपस्थित हैं जो आपके बच्चों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अपने कॉलोनियों में, अपने आसपास यदि कोई इस तरह का आप लोगों को देखता है अनजान व्यक्ति, तो आप उसे पकड़ करके पूछताछ करें कि कौन है, कहां से आया है, हो सकता है वो भी इन लोगों में से एक हो। और ऐसा नहीं है कि ये लोग भिखारी के रूप में आते हैं, ये लोग किसी भी रूप में आ सकते हैं, अच्छे व्यक्ति बनकर भी आ सकते हैं। तो अपने बच्चों को भी इसकी जानकारी दें और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप इसकी कंप्लेंट ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों मैं आपको वे वीडियो दिखा देता हूँ जहाँ पर बच्चों को उठाया जा रहा है और उठाने के बाद उन लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव जनता कर रही है और पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। आप इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि किसी के खेलता हुआ परिवार दुखी ना हो, किसी के आशियाने को कोई उजाड़ ना दे। इन सब के बचाव के लिए आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, लोगों की हेल्प हो सके, लोगों को जानकारी मिल सके। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को सबसे पहले समझाना है और उनका ध्यान रखना है कि ज़्यादा देर घर से बाहर ना रहे, और यदि रहे तो उनके साथ उपस्थित होने की कोशिश करें। तो आप ये वीडियो देख लीजिए जो आपको मेरे बराबर में दिखाई दे रही होगी, मैं आपको इनको फुल स्क्रीन पे दूँ। वीडियो को पूरी देखिएगा और इन लोगों की पहचान करने की कोशिश कीजिएगा, और यदि ऐसा संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखाई देता है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी ज़रूर दें। तो आइए ये वीडियो देख लेते हैं। Come on.
बिटिया कहाँ है? रामदेल कौन है? जो कौन है रामदेल? सही से बताओ मार लगेगा। भैया नंबर पूछ रहा है, नंबर ठोकेंगे जब बताएगी। उन बाल का क्या? हाँ पक्का फिर चोर है, नहीं लोग तो टकरा लगती। अगर सज्जन आ जाए तो ये सेक्टर में बयान श्याल ना लगा लगा लो। हाँ जी हाँ जी भाषा तो वही समझेगी ना। वही तो समझ नहीं बात को। मैं भी समझ लूँ। अब तो ये और भी उल्टी उल्टी बोलेगी। उनको पता पता चल। वो करे मर गया। मर गया ना? हाँ मार तो दे देंगे। तू जिंदगी कैसे है फिर यार? सेक्टर में जब मार दी थे ना। बाबा जी का।